हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में सीएसएस पोजीशनिंग के बारे में जानेंगे। तो सीएसएस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमें बताइए। हम अपने वेब पेज को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, उनके सारे जो हमारे कंटेंट हैं उनका लेआउट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने एचटीएमएल में या एचटीएमएल में जो कंटेंट डालते हैं, एलिमेंट्स डालते हैं, तो वो कैसे अपीयर होते हैं वेब पेज में? जैसे आप उनको फ्लो में डालते हैं, ठीक है। अगर आपने एक पैराग्राफ डाला है, उसके बाद एक इमेज डाली है, फिर दूसरा पैराग्राफ डाला है, तो ये ऐसे ही आप जब वेब पेज को इसको रन करोगे, जो आपने कोड लिखा है इसको रन करोगे, तो आपको आउटपुट में वैसे ही दिखेगा, पहले पैराग्राफ, देन इमेज, देन द सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। सो ये अपने नॉर्मल फ्लो में ही अपीयर होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सीएसएस वी कैन सेट द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि जो आपने पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ है, यू वांट टू पुट ऑन अबव ऑफ द इमेज, मतलब पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, देन इमेज आए, तो ये भी हम पोजिशनिंग की हेल्प से कर सकते हैं बाई यूजिंग सीएसएस, ठीक है। तो सीएसएस में पोजिशंस करके एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके हम एट्रीब्यूट्स सेट करते हैं और हम पोजिशंस को अचीव करते हैं। तो एब्सोल्यूट पोजिशन इज देयर, रिलेटिव पोजिशन इज देयर, फिक्स्ड, स्टैटिक, ऐसे बहुत सारे पोजिशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग वी कैन सेट देयर प्रॉपर्टीज, ओके, वी कैन सेट देयर अपीयरेंस ऑन द वेब पेज। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे एब्सोल्यूट पोजिशन के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट्स की हमें क्या करना है, पोजीशन को सेट करना है, इधर जो नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज पोजीशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर सीएसएस लगाया हुआ है, ठीक है, और इधर हमने किसकी प्रॉपर्टी सेट की है, एच टू की, एच टू इज द हेडिंग दैट यू कैन सी ओवर हियर, सो दिस इज द हेडिंग विद एन एब्सोल्यूट पोजिशन। अभी एब्सोल्यूट पोजिशनिंग करता क्या है, इधर हम एक एलिमेंट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, एनी वेयर ऑन अ पेज, ठीक है। सो मतलब अगर ये वाली हेडिंग है, जो हेडिंग रहेगी हमारी, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ सबसे पहले, तो कि ये कैसे दिखेगा। यू कैन सी द पोजिशन प्रॉपर्टी, दिस वॉज अवर हेडिंग फर्स्ट, द पोजिशन प्रॉपर्टी, ओके। एंड अगर आप इसका फ्लो देखोगे तो एच टू, दिस इज अ हेडिंग विद एन एब्सोल्यूट पोजिशन, कहाँ आना चाहिए था, जस्ट इसके बाद, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग के बाद आना चाहिए था, दिस इज अ हेडिंग विद एन एब्सोल्यूट पोजीशन, बट ये कहाँ आ रहा है, पैराग्राफ के बाद, ठीक है। तो पैराग्राफ में क्या लिखा है, विद एब्सोल्यूट पोजीशनिंग एन एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन अ पेज, तो हमने एनीवेयर मतलब कहाँ, हमने इसकी सेट करे हैं, कोऑर्डिनेट सेट करे हैं, सो दिस हेडिंग इज प्लेस्ड 100 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, ऑफ द पेज एंड 150 पिक्सल फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। ये ऐसे ही सेट हो जाएगा, एब्सोल्यूट मतलब आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, जहां आप जैसे इनको प्रॉपर्टी दे रहे हो, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, इनके अकॉर्डिंग यू कैन सेट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हमने सेट करके रखा है 100 पिक्सल, टॉप 150 पिक्सल, और ये यू कैन सी ये आपको कहां देखने को मिल रहा है, 100 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट एंड 150 पिक्सल फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो ये अपने आप ये सेट हुआ है बाय यूजिंग एब्सोल्यूट पोजीशन। तो इसको लिखना कैसे है देख लीजिए आप तरीका, ठीक है। और इसको अगर हम इधर चेंजेस करके देखना चाहते हैं, टॉप से 200 पिक्सल किया है और इधर से 150, सो यू कैन सी द चेंजेस, ओके। सो हियर 1000 हो गया एक्चुअली, तो वो मुझे दिख नहीं रहा है, सो यू कैन सी, ठीक है, अभी थोड़ा गैप आया है 200 पिक्सल में, और इधर से मैंने 150 इधर से किया, 200 इधर से किया, सो यू कैन सी द डिफरेंस, ठीक है। सो एब्सोल्यूट पोजीशन में आप इसको कहीं भी पेज पे सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉपर्टीज, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, ठीक है। इधर हम ये नहीं देखते हैं कि इसके पहले इसका एंसेस्टर एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है, मतलब अगर देखा जाए तो इस हेडिंग के पहले क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है या हेडिंग वन आ रहा है, तो इसका पोजीशन नहीं देखते हम, पेज का पोजीशन देखते हैं विद एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेटिव पोजीशंस की। तो अभी हम बात करेंगे रिलेटिव पोजीशनिंग की। सीएसएस की पोजीशनिंग हम देख रहे हैं, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में हमने क्या देखा था कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, हमारा कंटेंट एलिमेंट सेट हो जाता है। अब रिलेटिव पोजीशनिंग क्या करता है, रिलेटिव पोजीशनिंग मूव करता है एक एलिमेंट को रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनली वो कहाँ प्लेस होना चाहिए था,
उसके अकॉर्डिंग हम ये रिलेटिव पोजीशन उसको प्लेस करता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम देख रहे हैं रिलेटिव पोजीशनिंग के लिए। तो हमने इधर दो हेडिंग ली हैं H2, तो H2 की हेडिंग आप देख सकते हो। इधर हमने क्लासेस बनाई हैं POS_left एंड POS_right। तो जब हम POS_left क्लास अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो हम फर्स्ट H2 हेडिंग पे कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये हेडिंग मूव हो जाएगी टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट एंड अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। ठीक है, तो -30 pixel ये इधर सेट किया, पोजिशन हमने पहले डाल दिया रिलेटिव, तो इसकी नॉर्मल पोजिशन क्या होनी चाहिए थी, ये उससे मूव हो जाएगी बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। ठीक है, पोजिशन राइट, ये जो क्लास हमने बनाई है ये हमने इस वाले हेडिंग पे सेट की है, सेकेंड जो H2 हेडिंग है। तो इधर हमने क्या किया है, पोजिशन राइट, वो हेडिंग मूव हो जाएगी राइट अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। ठीक है, नॉर्मल पोजिशन क्या होनी चाहिए थी, उससे कितना सेट हो जाएगा ये टूवर्ड्स इट्स राइट 50 pixel। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी दिस हेडिंग इज मूव्ड लेफ्ट अकॉर्डिंग टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। इसका नॉर्मल पोजिशन इधर होना चाहिए था, लेकिन आपने -30 pixel इसको लेफ्ट मूव कर दिया है, सो यू आर नॉट एबल टू सी दिस प्रॉपरली। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पोजिशनिंग की। सो पोजिशन प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, और रिलेटिव पोजिशनिंग क्या करता है, एक एलिमेंट को मूव करता है रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजिशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग इसको मूव करता है। ठीक है, तो अभी जो हमने लेफ्ट -30 pixel जो रखा है, ये आपको नाउ यू आर एबल टू सी दिस प्रॉपरली। ओके, सो लेफ्ट -30 pixel रखा है, ये क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा 30 pixel फ्रॉम द एलिमेंट्स ओरिजिनल लेफ्ट पोजिशन। ठीक है, लेफ्ट पोजिशन इधर होनी चाहिए इसको, तो -30 pixel उसने माइनस करके इसको इधर मूव कर दिया है। ठीक है, और लेफ्ट 50 pixel क्या करेगा, इट विल एड 50 pixel टू द एलिमेंट्स ओरिजिनल लेफ्ट पोजिशन। ठीक है, अगर आप लेफ्ट कर रहे हो, इधर हमने क्या किया है, इसको पोजिशन राइट में इसको लेफ्ट टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट 50 pixel मूव किया है, सो यू कैन सी द इफेक्ट। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए पैराग्राफ लिखे गए हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू रीड दैम एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, तो हम इधर रिलेटिव पोजिशन की हमने इधर चर्चा की है और एब्सोल्यूट पोजिशनिंग की चर्चा की है, तो आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। एब्सोल्यूट जहाँ इसका मतलब एक्चुअल फ्लो क्या होना चाहिए उसको नहीं देखता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी सेट कर देता है, वहीं रिलेटिव क्या देखता है, एक्चुअल इसका पोजिशन क्या होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग इसको मूव करता है। ठीक है, तो आप हमने दोनों हेडिंग देखी और दोनों को लेफ्ट और राइट मूव करवाया बेस्ड ऑन इट्स लेफ्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको मूव कराया, आप इसको इधर से देख के इसको समझ सकते हैं। तो अभी हमने CSS में दो टाइप की पोजिशनिंग देख ली है, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग है, रिलेटिव पोजिशनिंग। थैंक यू।